Hello friends, this is Sangam Puri. Welcome back to my channel Pharmacy Tree. Friends, in this video I'm going to talk about what is dengue, what are the signs and symptoms of dengue and what are the treatments of dengue. कि इस वीडियो में हम लोग बात करने जा रहे हैं कि डेंगू क्या होता है, डेंगू बीमारी क्या होती है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, मतलब इसके पहचान क्या होता है, ठीक है, और क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं. सो फ्रेंड्स, विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम वी शुड स्टार्ट द वीडियो. फ्रेंड्स, मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बना रखी है जो कि आपकी मेडिकल की जानकारी को बहुत ज्यादा एनहांस कर देगी. फ्रेंड्स, बातें में आपकी मेडिकल की जानकारी को एनहांस करना चाहते हैं, बूस्ट करना चाहते हैं, तो कुछ वीडियो का लिंक मैंने आई बटन में दे रखा है. आप जल्दी से जाइए, वहां क्लिक कीजिए और अपनी मेडिकल की जानकारी को और ज्यादा एनहांस कीजिए. फ्रेंड्स, चलिए अब वीडियो की शुरुआत करते हैं. फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है कि डेंगू क्या है, डेंगू बीमारी क्या है. फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डेंगू बीमारी होता क्या है. व्हाट इज डेंगू डिजीज, कि डेंगू बीमारी होता क्या है. फ्रेंड्स, डेंगू एक खतरनाक या गंभीर बीमारी है जो कि एक मॉस्क्यूटो के काट लेने के कारण होता है. मॉस्क्यूटो कौन सा होता है? एडीस एजिप्टी मॉस्क्यूटो के प्रजाति होते हैं, ठीक है. एडीस एजिप्टी जो मॉस्क्यूटो होते हैं, मच्छर के जो प्रजाति होते हैं, उसमें से एक पाया जाता है एडीस एजिप्टी, उसके काट लेने से ये वायरल इन्फेक्शन हो जाता है, वायरल फीवर हो जाता है, जो कि एक गंभीर बीमारी है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गया कि डेंगू फीवर क्या होता है या डेंगू डेंगू क्या होता है. तो सिंपली समझिए कि डेंगू एक तरह का गंभीर बीमारी होता है जो कि एडीस एजिप्टी प्रजाति के मच्छर से काटने से होता है. फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूं कि बातें आपको समझ में आ. फ्रेंड्स, इस डिजीज को दूसरे शब्दों में ब्रेक बोन फीवर भी कहते हैं, कि हड्डी तोड़ जिसको बुखार भी कहते हैं. डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूं ये बातें आपको अच्छे से समझ में आ गई. फ्रेंड्स, चलिए बात करना चाहेंगे इसके साइन एंड सिम्टम्स के बारे में, इसके क्या साइन एंड सिम्टम्स होता है जिसके माध्यम से आपको पता चल सके ये डेंगू है. तो फ्रेंड्स, नंबर वन है साइन एंड सिम्टम्स, हाई फीवर. इसमें जो फीवर रहता है लगभग 101 डिग्री फारेनहाइट से प्लस ही रहता है, 102 डिग्री फारेनहाइट, 103 डिग्री फारेनहाइट, ऐसा करके हाई फीवर आपको रहेगा. फिर कहते हैं हेडेक, आपका सर हमेशा लगेगा कि भारी भारी है, ठीक है. क्या लगेगा? सर भारी भारी है, हेडेक हमेशा इसमें रहेगा. फिर कहते हैं स्किन रैशेस, आपके जो स्किन है इस पर क्या दाना दाना टाइप का देखने को मिलेगा आपको. फिर कहते हैं बॉडी एक, आपको पूरे बदन में ना दर्द रहेगा. फिर कहते हैं मसल पेन या ज्वाइंट पेन, आपके जो मांसपेशी है उसमें भी आपको दर्द रहेगा और ज्वाइंट में भी दर्द रहेगा. फिर कहते हैं लॉस ऑफ एपेटाइट, आपको भूख नहीं लगेगी. क्या भूख नहीं लगेगी. फिर कहते हैं नोजिया एंड वोमिटिंग, कभी जी मिचलाएगा, उल्टी करने का मन करे और वीकनेस और बहुत ज्यादा कमजोरी लगेगा. फिर कहते हैं फैटीज और साथ ही थकान लगेगा. तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके साइन सिम्टम्स है जिसके माध्यम से आप पता कर सकते हो कि कहीं ना कहीं डेंगू है इस व्यक्ति को. ये साइन एंड सिम्टम्स होते हैं. लेकिन फ्रेंड्स, थोड़ा मैं डेंगू जो मच्छर जो होता है जिसके काटने से होता है उसका मैं पिक्चर यहाँ पे दे दियो, आप इसे देख लीजिए. इसको हम लोग बोलते हैं एडीस एजिप्टी बोलते हैं, यही मच्छर के काटने से डेंगू होता है. तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अच्छे समझ में, इसका साइन एंड सिम्टम्स क्या होता है. फ्रेंड्स, फिर भी साइन एंड सिम्टम्स ऑलमोस्ट कुछ डिजीज में तो सेम होते हैं, लेकिन इसे एग्जैक्ट पता लगाने के लिए क्या करना चाहिए. तो फ्रेंड्स, किसी भी डिजीज का एग्जैक्ट पता लगाने के लिए हमें कुछ इन्वेस्टिगेशन कराना पड़ता है ब्लड का. तो चलिए जरा इन्वेस्टिगेशन भी मैं यहाँ क्लियर कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आए कि वास्तव में ये डेंगू डिजीज है इस व्यक्ति को. तो इन्वेस्टिगेशन में आप सिंपली करवाइए डेंगू प्रोफाइल, एक जांच होता है जिसको बोलते हैं डेंगू प्रोफाइल, ब्लड से ही होता है. डेंगू प्रोफाइल करवाइए या डेंगू प्रोफाइल को तीन डेंगू प्रोफाइल के अंदर तीन जांच आते हैं, NS1 एंटीजन, दूसरा IgG और IgM, ये तीन जांच आते हैं डेंगू प्रोफाइल के अंदर. इसलिए मैंने सिंपल बोल दिया डेंगू प्रोफाइल, ठीक है. डेंगू प्रोफाइल करें तो उसके अंदर तीन, ये तीन जांच होता है, NS1 एंटीजन, ठीक है, फिर आपको IgG और IgM एंटीबॉडी जिसको बोलते हैं, ठीक है. तो ये तीन जांच होता है. अगर इसमें से NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहे, NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहे तो समझ लो उस व्यक्ति को क्या है, डेंगू है. या IgG पॉजिटिव रहे, ठीक है, तो भी डेंगू. लेकिन अगर ये दोनों पॉजिटिव रहे तो समझो कि केस थोड़ा सीरियस की तरफ जा रहा है, इस बात को याद रखिएगा. IgM रहे तो उतना मैटर नहीं करता, वो कभी पहले का भी इन्फेक्शन से हो सकता है, ठीक है. तो याद रखिए NS1 एंटीजन, ठीक है, और IgG पॉजिटिव रहे तो समझिए सीरियस केस है. लेकिन सिंपल कोई IgG रहे या NS1 एंटीजन रहे तो समझिए व्यक्ति को डेंगू है, लेकिन ज्यादा दिन नहीं हुआ है डेंगू को होते हुए. तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके इन्वेस्टिगेशन में समझ में, और कुछ और इन्वेस्टिगेशन मैं यहाँ पे बता रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा.
फ्रेंड्स, जब कभी डेंगू होता है तो सीबीसी भी करवाना चाहिए। सीबीसी करवाने से उसमें दो चीज आपको देखने को मिलेगा। नंबर वन, प्लेटलेट। अगर किसी व्यक्ति का प्लेटलेट डाउन हो रहा है तो डेंगू जो होता है तो प्लेटलेट डाउन होना शुरू हो जाता है। फिर कहते हैं हिमेटोक्रिट, और हिमेटोक्रिट का जो लेवल होता है, ठीक है, वो बॉडी फ्लू में बढ़ने लगेगा। तो जैसे ही सीबीसी आप टेस्ट करवाओगे उसमें दो चीज देखिएगा इन्वेस्टिगेशन में, प्लेटलेट अगर डाउन हो और हिमेटोक्रिट राइज हो, अप हो, समझ लेने ये भी क्या है, डेंगू के सिम्टम्स है। तो इससे भी आप पता कर सकते हो। तो फ्रेंड्स, बेसिकली मैंने ये इन्वेस्टिगेशन बताया, तीन चार इन्वेस्टिगेशन। सिंपली इसको समझो कि डेंगू प्रोफाइल करवा लो और सीबीसी करवा लो। सीबीसी में आपको दो चीज देखना है, प्लेटलेट देखना है और दूसरा हिमेटोक्रिट देखना है, ठीक है। प्लेटलेट घटा रहा है, हिमेटोक्रिट बढ़ा रहा है, तो समझिए डेंगू का चांसेस है। और यहाँ पर डेंगू प्रोफाइल में NS1 एंटीजन पॉजिटिव रहे, समझ लेना डेंगू है। तो डियर व्यूअर्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि इस इन्वेस्टिगेशन के माध्यम से आप समझ जाएंगे कि डेंगू पॉजिटिव है या नहीं। फ्रेंड्स, अब चलिए बात करते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। फ्रेंड्स, बेसिकली जो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो सिम्टोमाइज होता है, एग्जैक्ट ट्रीटमेंट नहीं होता है। तो सिम्टोमाइज ट्रीटमेंट होता है, जो सिम्टम्स देखते हैं उसके अकॉर्डिंग इसका ट्रीटमेंट किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए इसका हम ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम लोग को लेना है एंटीबायोटिक का सिलेक्शन करना, और यह ट्रीटमेंट मैं एडल्ट के लिए बता रहा हूँ, बच्चे के लिए नहीं बता रहा हूँ। मोनोसेफ एसवी इंजेक्शन या इंजेक्शन मोनोसेफ एसवी, आपको मोनोसेफ एसवी इंजेक्शन लेना है, ठीक है। इसमें सेप्टोरियाजोन सेल्बैक्टम भी रहता है। IVBD सुबह शाम इसको देना है, इंट्रावेनस, ठीक है, इंट्रावेनस। फिर इंजेक्शन पैन IVOD इंजेक्शन पैन IV जो गैस का आता है ना, ठीक है, हाइपर एसिडिटी के लिए, जो कि गैस को कम करके, तो उसको आप IVOD देना है, सुबह में ही सिर्फ देना है, ठीक है। फिर टैबलेट डोलो 650, आपको डोलो 650 देना है। इसमें दोनों चीज होता है, एंटीपायरेटिक भी होता है और माइल्ड एनाल्जेसिक प्रॉपर्टीज भी होता है। तो हेडेक को भी ये ठीक करने का काम करेगा, साथ में फीवर को भी कम करने का काम करेगा। लेकिन इसका जो डोज है फीवर के साइकिल को तोड़ने के लिए, SOS के तौर पर नहीं, 1x TDS कम से कम 3 दिन देंगे। TDS या BD, मतलब एक गोली सुबह शाम, एक गोली सुबह दोपहर शाम, 3 दिन एटलीस्ट देंगे, ताकि फीवर के साइकिल को क्या कर सके, तोड़ा जा सके। उसके बाद कहते हैं कि अगर प्लेटलेट आपका डाउन हो रहा है तो कैरीपिल टैबलेट आप ले सकते हैं, टैबलेट कैरीपिल ले सकते हैं 1x BD 5 डेज एटलीस्ट। फिर कहते हैं अगर कैरीपिल नहीं मिलता है आपको तो आप टैबलेट अपलेट ले सकते हैं, जो कि प्लेटलेट को क्या करेगा, अप करेगा, राइज करेगा। फिर कहते हैं टैबलेट हेल्थ होके, अगर वीकनेस वगैरह है तो आप हेल्थ होके टैबलेट ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। अगर इस तरह का कोई भी लगता है सिम्टम्स तो इस तरह का ट्रीटमेंट आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन डॉक्टर के सुपरविजन में करें, बिना डॉक्टर से पूछे ना करें। हाँ, अगर एक्सट्रीम लेवल पे वीकनेस लग रहा है तो उसे एडमिट करके आप IV फ्लूइड भी RL DNS में पॉलीबायोन या MVI मिला के भी आपको 120 या 70 ml पर आवर दे सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये कुछ इसके ट्रीटमेंट है। और इसके अलावा कुछ और ट्रीटमेंट्स होते हैं, जैसे कि आप पपीता का जो पत्ता होता है, लीफ होता है, लीव्स को क्या कर, लीव्स को आप एक्सट्रैक्ट करके उसका जूस भी पी सकते हो, या तो आप जो फीमेल गोट होते हैं, बकरी होती है, उसकी भी दूध पीजिए। उसका भी दूध पीने से प्लेटलेट राइज होता बहुत तेजी से, वो बड़ा जबरदस्त काम करता है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ इसका ट्रीटमेंट आपको बढ़िया से समझ में आ। फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करता हूँ कि ये बातें आपको अब अच्छे तरीके से समझ में, डेंगू क्या होता है, क्या इसके साइन एंड सिम्टम्स होते हैं, और किस मच्छर को काटने से डेंगू होता है, और क्या इसके ट्रीटमेंट होते हैं, और क्या इसके इन्वेस्टिगेशंस होते हैं। और साथ में ये भी उम्मीद करता हूँ कि मेरी यह वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव, काफ़ी इंटरेस्टिंग, काफ़ी जबरदस्त लगी होगी आपको, और मेरे इस वीडियो से आपको बहुत शानदार जानकारी मिली होगी। फ्रेंड्स, बातें भी मेरी वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग लगी हो। फ्रेंड्स, इफ यू फाइंड दिस वीडियो इन्फॉर्मेटिव इंटरेस्टिंग, हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड डोंट फॉरगेट टू शेयर विद योर मेडिकल फ्रेंड्स एंड कॉमन फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, बाय, टेक केयर, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, ख्याल रखिए अपना, अपने परिवार का। थैंक यू, धन्यवाद।